रात का अंधेरा घना हो चुका था। सर्दी की वजह से हवा में सिहरन थी। गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुराने और खंडहर हो चुके घर की ओर कोई भी नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वह घर भूतिया है, वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन एक दिन गांव में रहने वाला एक युवक अर्जुन नशे की हालत में घर के पास से गुजरते हुए अंदर जाने का मन बना बैठा। अर्जुन ने सोचा कि बस एक बार अंदर देख लेता हूँ, फिर किसी से नहीं कहूंगा। घर की लकड़ी की दरवाजा चरचरा कर खुला। अंदर अंधेरा था और एक खौफनाक सन्नाटा। अर्जुन ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और कदम दर कदम अंदर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब से खून के धब्बे थे। उसका मन डर से भर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। घर के अंदर एक कमरे में उसे एक पुरानी झोली नजर आई जो खुद ब खुद हिल रही थी। अर्जुन ने सोचने की कोशिश की कि शायद हवा के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी वह डर के साए में था। वह कमरे के कोने में रखी पुरानी तस्वीरों को देखने लगा। तस्वीरों में कुछ लोग थे जो बड़े ही खौफनाक लग रहे थे। अचानक उसे अपने कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम आ गए हो। अर्जुन का दिल दहशत से धड़कने लगा। उसने झूली की ओर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झूली पर एक औरत बैठी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से कटी हुई थी और उसका चेहरा बेहद डरावना था। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ कदम ही चला था कि उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें अचानक सिकुड़ रही हों। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसने हर तरफ देखा, लेकिन किसी भी दिशा में भागने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तभी उसने देखा कि दीवारों से खून बहने लगा और कमरे का तापमान बेहद ठंडा हो गया। अर्जुन का दिल मानो रुक सा गया था। उसकी नजरें एक पल के लिए झुकी और जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह खुद उसी झूली पर बैठा था। उसकी सांसें घुट रही थीं और उसकी आंखों में एक भयानक अंधकार था। अब वह भी इस खौफनाक घर का हिस्सा बन चुका था।